5, 4, 3, 2, 1. फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आर्म साइज गेन टिप्स के ऊपर। इस टॉपिक में हम आपको हर वो बड़ी और नई मिस्टेक ये बताएंगे जो आप काफी लंबे समय से करते आ रहे हो, जिस कारण आप अब तक अपने बड़े आर्म्स के सपने से दूर हो। फ्रेंड्स, ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको हमारी बताई हुई हर एक बात सही तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए बिना देरी करे बात करते हैं आर्म्स गेन करने के लिए इम्पोर्टेंट टिप्स की। टिप्स नंबर 1। फ्रेंड्स, अक्सर सभी लोग ये सोचते हैं कि डंबल या रोड में भारी वजन भरकर ऊपर उठाना और नीचे लाना ही बाइसेप्स की साइज गेन एक्सरसाइज है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं या ऐसा करते हैं तो आपकी ये सोच बिल्कुल गलत है। फ्रेंड्स, जब भी आप बाइसेप्स की एक्सरसाइज करते हो तो आप उस समय इतना ही वजन अपनी रोड या डंबल में लें जितना आप आसानी से कंट्रोल कर सकें। वजन कंट्रोल करने से मतलब है आप उतने वेट से एक्सरसाइज करें जितने वेट से आप अपने डंबल या रोड को आहिस्ता आहिस्ता खिंचाव के साथ ऊपर उठा सको और फिर आहिस्ता आहिस्ता खिंचाव के साथ नीचे ला सको, ताकि आपकी बाइसेप्स मसल्स की हर एक मांसपेशी की एक एक्सरसाइज पूरी तरह हो सके और आपकी बाइसेप्स पूरी तरह ग्रो हो सके। फ्रेंड्स, ये बात भी आप अच्छे से समझ लें, बाइसेप्स की एक्सरसाइज में ज्यादा वेट लेने से एक बार को आदमी अपने वेट को खिंचाव के साथ ऊपर तो उठा सकता है पर नीचे खिंचाव के साथ नहीं ला सकता है। ज्यादा वेट आपके हाथों को झटके से नीचे ले आता है, जिस कारण आपकी बाइसेप्स मसल्स पर पूरी तरह लोड नहीं डल पाता है और इसी कारण आपकी बाइसेप्स की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो प्लीज अपने आर्म्स की एक्सरसाइज में वेट उतना ही चूज करें जितना आप आसानी से कंट्रोल कर सकें। टिप्स नंबर 2। फ्रेंड्स, आप बाइसेप्स की एक्सरसाइज करें या ट्राइसेप्स की, आपको अपनी एक्सरसाइज की सही फॉर्म यानी टेक्निक पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी बाइसेप्स मसल्स पूरी तरह ग्रो हो सके। मतलब कि जब भी आप बाइसेप्स की कोई भी एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करते वक्त बाइसेप्स की रोड, डंबल या पुली को ऊपर उठाते वक्त और नीचे लाते वक्त अपनी दोनों कोहनियों को अपने बदन से एक जगह चिपकाकर हिलने ना दें, और अगर आपकी कोहनी हिलेगी तो आपकी बाइसेप्स मसल्स पर कोई लोड नहीं पड़ेगा। और इसी तरह जब भी आप ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज डंबल, बारबल या पुली कहीं से भी करें, आपको अपनी कोहनी अंदर की ओर रखनी है, हिलने नहीं देनी है। अगर हिली तो समझो आप एक्सरसाइज सही तरीके से नहीं कर रहे हो। टिप्स नंबर 3। फ्रेंड्स, काफी लड़के बाइसेप्स की एक्सरसाइज करते वक्त अपनी कलाई की एक्टिविटी पर ध्यान नहीं देते हैं, जो कि बहुत गलत है। फ्रेंड्स, जब भी आप बाइसेप्स एक्सरसाइज करो और वेट को ऊपर उठाओ तो उस वक्त अपने हाथों की कलाई को अंदर की ओर जरूर घुमाएं और फिर नीचे लाते वक्त नॉर्मल छोड़ दें। ऐसा करने से आपके फोर आर्म्स तो बनेंगे ही, साथ ही आपकी बाइसेप्स बॉल यानी बाइसेप्स का अंडा पूरी तरह बन जाएगा, क्योंकि कलाई को अंदर की ओर करते वक्त आपकी बाइसेप्स की सारी मसल्स सिकुड़कर गोलाई के रूप में बाहर की ओर निकलने को जोर लगाती है, जिस कारण आपकी बाइसेप्स की नस भी चमकने लगती है। टिप्स नंबर 4। एक्सरसाइज की पूरी तरह सही जानकारी का न होना। फ्रेंड्स, जब तक आपको यही मालूम नहीं होगा कि हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो हमारे आर्म्स के किस मसल्स पार्ट की एक्सरसाइज है, तो आप उस मसल्स पर पूरी तरह फोकस नहीं कर पाओगे, जिस वजह से आपको एक्सरसाइज करने का फायदा बहुत कम होगा। टिप्स नंबर 7। न्यूट्रिशन डाइट। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी गलती इंसान ये करता है कि वह जिम करने के बाद अपनी बॉडी को जरूरत के हिसाब से न्यूट्रिशन डाइट यानी पोषण युक्त आहार नहीं देता है, जिस कारण आपके आर्म्स की मसल्स कभी भी ग्रो नहीं हो पाती है।
तो इसीलिए वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद अपने मसल्स की जरूरत के हिसाब से अपनी मसल्स को ग्रो करने के लिए पोषण युक्त डाइट यानी प्रोटीन, कार्ब्स, विटामिन, हेल्थी फैट युक्त डाइट जरूर दें। वर्कआउट से पहले, वर्कआउट के बाद। तो फ्रेंड्स, ये थी वे जरूरी जानकारी और टिप्स जिन्हें समझना आपके लिए बहुत जरूरी था। आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।